हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आयतिका सिंघानिया। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहले से जुड़े हो तो थैंक यू सो मच। सो गाइस, आज काफ़ी टाइम के बाद, सच बता रही हूँ, काफ़ी टाइम के बाद मैं ना सुबह 7 बजे उठी हूँ, ठीक है, वरना तो मैं 8 बजे के बाद ही उठ रही थी। तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मेरे से सुबह नींद नहीं खुलता था। तो अब क्या हुआ, छोटी मम्मी चली गई है, तो मैंने बोला था कि मैं सुबह खाना बनाऊँगी, मुझे जल्दी उठा देना। खाना बनाने के लिए नहीं गाइस, मुझे सुबह उठना था, इस वजह से। तो दादी ने उठा दिया मेरे को 6:30 का टाइम पर, ठीक है, मतलब 6:45 में। तो मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि आज मैं इतनी सुबह उठी हूँ, मतलब अभी तो 8 बज रहे हैं। अभी मैंने दाल बनाया, चावल बनाए, आलू आलू का भुजिया बनाया बस, और थोड़ा सा तिलौड़ी छान दिया, ठीक है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं इतनी सुबह उठी हुई आज, और सुबह सुबह व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। अभी आप मौसम देखोगे ना, हर जगह कोहरा ही कोहरा है, मतलब अच्छा लग रहा है। एंड कोशिश करूँगी मैं धीरे धीरे ना टाइम को मतलब कम करती जाऊँ। पहले मैं उठती थी सुबह 4 बजे, बताओ, पहले इस गर्मियों में मैं उठती थी 4 बजे, और अभी तो 8 बज गए हैं, 4 घंटे मैं लेट चल रही थी। तो मैं धीरे 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 टाइम को कम कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना सुबह उठना बहुत पसंद है यार, लेकिन उठ नहीं पा रही थी, इस वजह से प्रॉब्लम हो गया था। बट अब से मैंने डिसाइड करा है कि सुबह उठेंगे, ठीक है, और सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ओके, अब आप लोग भी देखो कितने दिन मैं सुबह व्लॉग स्टार्ट करती हूँ, समझ जाना कि मैं सुबह भी उठी हूँ कि नहीं उठी हूँ। मैं मौसम दिखाती हूँ, रुको गाइस, देख रहे हो मौसम, हर जगह कोहरा ही कोहरा। इधर क्या ही देखोगे, इधर देखो। और सुबह से पता है बहुत ज़्यादा ही कौवा बोल रहा था, अभी से पता नहीं कहाँ चले गए। एंड अब दादी पूजा करेंगी। रूम की हालत देख लो गाइस, आज दादी ने बोला है ये वाला कॉर्नर फिर से साफ़ करना है, तो ये सारा कपड़ा मेरे को फिर से साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं सब साफ़ करके फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइस, देखो ये वाला साइड ऐसे करके क्लीन कर दिया है, बेड वगैरह भी सब क्लीन कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, ठीक है, मतलब अभी चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे, फिर नहाने जाऊँगी। सो गाइस, ये देख लो बस कर लड़की, मैं देखो कितनी सजी धजी, सजी धजी कपड़ा चेंज कर नहाई नहीं है गाइस। हाँ गाइस, मैं नहीं नहाई क्योंकि दादी ने मना किया, हम गरीब लोग की चीज़ नहीं। पहले दादी तुम बोलो, क्लियर करो कि को तुम बोलिए कि नहीं नहाने के लिए, बोलो दादी अपना भसकर पानी से नहीं नहाई है, नहीं ये सच्चाई है। नहीं गाइस, दादी ने बोला कि घर बहुत ज़्यादा है, तबीयत खराब है, हाँ, और ऊपर से क्या बोलते हैं, कल नहा लेंगे, लाइट भी नहीं आया यार, मोटर भी नहीं चल रहा, कल कौन चलाएगा। सोम को नहीं नहाएगी, मंगल को नहीं नहाएगी, बुध को नहीं नहाएगी। हाँ, सोम को गाइस मैं नहाती हूँ हर बारी, ठीक है। हाँ, इसका फास्ट है ना। और तुम कितने दिन पहले नहाई है? 1 महीना। परसों है ना, कल ले एक महीना पहले गाइस, तुम ये भी मान नहीं सकता, कोई बीजे को मिल जाए पूजा करने हो गए, तुमको कोई देखा ही नहीं, मतलब ये तो छोटी मम्मी भी नहीं मानती है कि हम नहीं नहाते हैं, सब मान जाता है कि नहाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मैं दू का पेन पजामा, ठंड बहुत ज्यादा है गाइस, पता है जब भी हम सोचते हैं ना कि ठंड चला गया है तो फिर मुंह दिखाने आ जाता है। कहीं निकल के गले तो देखिए वीडियो में तो गाड़ी दे हमरा, कहीं निकल के गले गाइस, पूरा पूरा वीडियो में दादी ने कनक को ऐसे करके चमाटा मार दिया। नहीं, मैं क्या बोल रही थी कि जब भी हमको लगता है ना कि ठंड चली गई है, वो ठंड फिर वापस आके चली वापस आ जाती है और कहती है लो मैं आ गया। कनक ठंड क्या बोलती है, लो मैं आ गया, लो मैं आ गया। तो अभी काफी ज्यादा ठंड हो रखी है, ठीक है, हमारा मॉइस्चराइजर किन दो दादी। हाँ, मतलब मॉइस्चराइजर भी खत्म हो गया दादी। दादी हाँ दादी। सो गाइस, अभी शाम का टाइम है और मैं और गौरी जा रहे मार्केट, बस ऐसे ही कुछ काम था उसे भी और मुझे भी, तो मैंने कहा चलो साथ में चलते हैं। सी हमारे पड़ोस का कचरे का डब्बा, पड़ोस का नहीं है, घर के सामने रहता है, ठीक है, अब इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो चलो गौरी के घर एंड देखते हैं, वो तैयार हुई, तैयार तो वो हो गई है क्योंकि वो पहले आई थी। गौरी चलो गाइस, चप्पल पहन लेते हैं। हाँ गाइस, से हाय टू माय व्लॉग। चलो अब गाइस हम चल रहे हैं मार्केट। सो गाइस, घर आ गई हूँ और मैंने ना मार्केट में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया, क्योंकि क्या होता ना कि जो काम के लिए गई थी वो काम नहीं हुआ था, तो इस वजह से व्लॉग बनाने का मन नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो यार, जिस काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, तो अब देखते हैं रात में क्या खाना बनेगा। अभी तो नहीं बनेगा, मतलब थोड़े टाइम के बाद बनेगा, दादी आएगी तो मैं भी बैठ के दादी का वेट करूँगी एंड फ़ोन चलाते हैं। तो मैं, दादी आ जाती है फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है।
तो गाइस देखो यहाँ पे मैं बना रही हूँ लिट्टी विद घी, अ लॉट ऑफ घी, एंड इधर भी लिट्टी बना रही हूँ, ठीक है, फोकस नहीं ले रहा यार। सो गाइस यहाँ बन रहा है हमारा लिट्टी एंड इधर भी लिट्टी, तो इधर देखो इधर मैं बना रही हूँ लड्डू की तरह, इधर बना रही हूँ पेड़े की तरह, एंड इसको ऐसे करके पलट देते, रुको 3 2 1 शू। एंड ये यार काफ़ी ज़्यादा लाइट आ जा रहा है, हाँ कैन यू सी, एंड इधर भी लिट्टी, और इधर मैंने लिट्टी बना लिया है, कुछ 3 लिट्टी बनाया, ठीक है, और इधर लिट्टी बन के रेडी है, ठीक है, आपको लगेगा लोई है, नहीं बन के रेडी है, इधर आटा है, इधर लिट्टी का मसाला है, एंड इधर दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है, और इधर बनाया है हरी चटनी, मतलब धनिया लहसुन का चटनी, दिखा, हाँ जी, एंड इसमें बनाया है मस्त बैंगन का चोखा, एंड गाइस आप ट्रस्ट में मुझे बैंगन का चोखा इतना पसंद है ना, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, एंड मुझे ऐसे मुझे पूरा लिट्टी चोखा बहुत पसंद है, इस वजह से ना ज़्यादा व्लॉग वगैरह भी नहीं कर रही, लेकिन कैसे बनाया है ये आपको शॉर्ट्स में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोग पूछोगे कि कैसे बनाया है, तो वो देखना शॉर्ट्स में, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये सब बना रही हूँ और मेरे मुँह में पानी आ रहा है, मैं कैसे कैसे करके कंट्रोल कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ, ठीक है, तो मैं सब बना के फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस देखो लिट्टी चोखा और चटनी ये मैंने बनाया है, ठीक है, और मुझे ना काफ़ी टाइम से मन था कि मैं लिट्टी चोखा चटनी बनाऊं, लेकिन नहीं मतलब देखो मेरा मन तो था लिट्टी चोखा बनाने का, फिर दादी ने कहा कि लिट्टी चोखा के साथ में चटनी भी अच्छा लगेगा, तो मैंने हरी चटनी भी बना दी और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे तो मैंने सोचा था छोटी मम्मी रहेंगी तभी बनाऊँगी, लेकिन फिर वो चली गई ना, तो मैंने कहा छोड़ो अब किसका वेट नहीं करते, जल्दी से बनाते खाते, और मेरे को डर भी लग रहा था कि अच्छा बनेगा कि नहीं, लेकिन देखने से तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो खाने में कैसा बनेगा वो मुझे नहीं पता, तो खाने के बाद ही पता चलेगा सबको, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो गाइज मैं पता है स्पेशली रात के 10:30 बज रहे अभी, और मैं स्पेशली नीचे से ऊपर ब्लॉग को एंड करने आई हूँ, क्योंकि नीचे लाइटिंग की तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है, मतलब लाइट ना बहुत ऊपर ऊपर लगा हुआ है, इस वजह से ना वीडियो में बहुत ही अंधेरा सा आता है, तो अब हम जा रहे सोने, काफ़ी रात हो गया है, बिग बॉस देख रही थी, लेकिन अब और ज़्यादा नहीं देखूंगी क्योंकि फिर सुबह जल्दी उठा नहीं जाएगा मेरे से। तो इस व्लॉग के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना, एंड आई लव यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय। हाँ गाइस लिट्टी चोखा काफ़ी टेस्टी बना था, तो आपने नहीं खाया तो एक बारी ज़रूर ट्राई करना लिट्टी चोखा, ठीक है, विद चटनी, चलो, और आज मैंने लिट्टी चोखा और चटनी बनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वैसे तो मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन जब कुछ स्पेशल सा डिश बनाती हूँ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये तो बिहार से कनेक्टेड है ना, बिहारी स्पेशल लिट्टी चोखा, ठीक है, चलो बाय।